नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हुए हैं, लड़कियों से आपकी बात करवा रहे हैं, यहाँ के माहौल की हाँ से जुड़ी हर एक छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की हमारे से जुड़ी है, जानते हैं उनसे कैसा माहौल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? गगनदीप कौर। कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं हूँ 21 साल दी हाँ। मैं जदों का मेरा जन्म होया गा उदों दे मेरी फैमिली डेरा सच्चा सौदा दे नाल जुड़ी हुई है। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मैं ग्रेजुएट हाँ, बी कॉम की है। मैं ना हूँ इस टाइम बैंकिंग के पेपर की तैयारी कर रही हूँ। आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंधविश्वास जैसा है, उनको ये लगता है। आपके क्या विचार हैं वो बताइए। लोग हमेशा हमेशा ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि सानू पता है साडा जो गुरु है असी ने धारण किया है वह बहुत ही ज़्यादा सच्चा है तो वधिया विचार वाला है, तो सानू हमेशा सच के राह चलना सिखाता है। वो सानू दसद भी अपने किदा किसी बुरे अपने इंसानों की हैल्प करनी हैगी, हर एक वध तो वध परमार्थ करना हैगा। जे किसी दीन दुखी नू देखते आगे उसकी हैल्प वध तो वध मदद करन की कोशिश करनी है। पर लोग कह रहे ने कि जो कर रहे ने महाराज जी साडे वह गलत कर रहे ने, फिल्मा बना रहे ने गे भी फिल्मा अजकल कौन संत बनाता है। पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देखे ने महाराज जी दे, वह बोलते हैं कि असी समाज के नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलना है, कि जिमें कि अज के लोग जिमें की भाषा समझते हैं असं उन्होंने उमें की भाषा के समझाना चाहते हैं। इसलिए महाराज जी ने एक सत्संग नू एक फिल्म का रूप दिता है ताकि उन्होंने वह उसकी वल आकर्षित हो ज़्यादा तो ज़्यादा, तो नशे छड़न बुरे काम छड़न ते लोकां दी मदद करन। क्या सिखाया जाता है आपको यहाँ पे? यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। अगर हम किसी को बेसहारा को देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसहारा लड़कियाँ जो अनाथ आश्रम होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए, ना कि हमें वहाँ पर जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं लोग, हमें वहाँ पर डोनेट करना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ का पैसा हम लगाते हैं वो किसी अच्छे काम में लगे। कौन कौन से मानवता भलाई के काम गुरुजी कर रहे हैं और करवा रहे हैं लोगों से? गुरुजी बहुत सारे मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाना हमें जो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, और दूसरा मानवता भलाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा रक्त दान, हम अपना ब्लड डोनेट करें और हम सेवा करें यहाँ पर आकर। सा हमें सफाई अभियान शुरू किए हैं गुरुजी ने ताकि ज़्यादा लोग हम आकर्षित हो सके कि साफ़ सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उनको समाज में आगे लाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कौन कौन से कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जाते हैं? उन्हें घर बनाकर देते हैं, रैन बसेरा बोलते हैं जिसे हम, उन्हें घर बनाकर देते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब उनकी ज़रूरत होती है उन्हें राशन देते हैं, उन्हें ज़रूरत के अनुसार उन्हें खाना पानी जब भी उनको ज़रूरत होती है उनकी, उस समय ही हमारा डेरा सच्चा सौदा ही आगे आता है। जो विकलांग लोग हैं उनकी सहायता कैसे करा है डेरा सच्चा सौदा? उन्हें हमारी जो चेयर्स होती हैं वो प्रोवाइड करवा के उन्हें अच्छे से अच्छा उनका इलाज करवा कर। और जो बेसहारा लोग हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, सड़कों पे जो मिलते हैं लोगों को, उनकी सहायता के लिए डेरा के जो वॉलंटियर्स हैं वो कैसे आगे आ रहे हैं? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आश्रम खोल रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि वो बेसहारा है। जैसे हम यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के लिए अनाथ आश्रम बनाया गया जहाँ पर उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, उनका जीवन सुधारने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। और जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, 0% भी सच्चाई नहीं है। मैं बोलूँ वो सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है तो उन्हें सभी रोकते हैं, पर जब वो कार्य सफल हो जाता है तो उन्हें सभी याद करते हैं। जैसे हमारे सिख गुरु से गुरु श्री गुरु नानक देव जी, उन्हें जब उन्होंने वाणी का आरंभ करना शुरू किया था तो
तो लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला था, जब मगर आज के समय में हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे के गए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लोग अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें उनसे उनकी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमारा गुरु सही कर रहा है और उन पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो बिल्कुल भी सच्चे नहीं हैं। और एक ना एक दिन हमारे गुरु जी का नाम भी बहुत अच्छी तरह रोशन होगा, हमारे डेरा सच्चा सौदा को भी वर्ल्ड के कोने कोने में जाना जाएगा। जो यहाँ पे लोग आते हैं वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं? डेरा सच्चा सौदा को कौन सा धर्म है? डेरा सच्चा सौदा का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक माना गया है।